कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी भी दिखाई दी। उसी के बीच राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी दिखाई दी, जिससे सिंधिया समर्थकों के लिए ये बात खुशी की हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरे देश की नजरें संसद पर टिकी हुई थी। इस दौरान जहां मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सदन में राहुल गांधी की परछाई की तरह दिखाई दिए, वहीं वरिष्ठ नेता कमलनाथ सदन में अनुपस्थित रहे। कमलनाथ और सिंधिया एक दूसरे को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में देखते हैं, लेकिन शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने सिंधिया और कमलनाथ के बीच एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया। वहीं सिंधिया ने अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा। द प्राइम मिनिस्टर इन हिज 2 आवर एड्रेस डिड नॉट एड्रेस एनी ऑफ द वोज और एनी ऑफ द ट्रेवल्स of the common man on the road. What the BJP says and what the BJP does is a difference between the reality and what they try and conjure up. And that is the signal that has gone to the common man. उधर कमलनाथ भोपाल में ही रहे और सांसद होने के बावजूद सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं गए। इस पर कमलनाथ का कहना था कि उनकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश है। मैंने हमारा पंचायती राज सम्मेलन है, ये सब है, तो मेरे लिए प्राथमिकता मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं पिछले 38 साल में, हाँ, तो मुझे इसका पूरा अनुभव है। कुल मिलाकर कमलनाथ भले ही अपने अनुभव का हवाला दे रहे हों, लेकिन जरूरत के मुताबिक राहुल को नाथ की जरूरत थी, लेकिन सिंधिया ने मौके की नजाकत को भांपते हुए राहुल का खूब साथ दिया, जो कई तरह से सियासी संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।